को सूचित करना चाहता हूँ कि भीड़ के बीच न जाएं और अपना एयर कंडीशन सही रखें, क्योंकि बेहद गर्मी पड़ने वाली है। तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। ये थी आज की वेदर रिपोर्ट। अब चलिए आपके पसंदीदा गाने सुनते हैं। लाइफगार्ड 23, मैं हूं डग। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? हेतर प्लीज, देखो कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मेरे ख्याल से ट्रांसफर ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तुम दोनों की मुलाकातें कब से चल रही हैं? अब हम साथ नहीं हैं तो इस बारे में बात नहीं होगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है, बच्चे चाहिए, ना कह के तुमने अपना मौका खो दिया है। मुझे एक मौका तो दो। 3 सालों से तुम्हें मौका दे रही हूँ। बड़ी अच्छी पसंद है तुम्हारी। जब मैं उससे मिली थी तब मैं उसे नहीं जानती थी। मुझसे मिलने के बाद उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। ये बीच मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। आज की बड़ी खबर सुनोगे? क्या हुआ? वर्करों ने नॉर्थ पार्किंग लॉट को बंद करके रखा है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये लोग खुद को क्या समझते हैं? मैंने आधे घंटे पहले वहां के इंचार्ज से बात की थी। उन्होंने बताया कि यह सब टेम्प्रेरी है और उन्होंने कहा कि लोगों से कहना कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। सही कहा, टेम्प्रेरी है। तुम अपने दोस्तों को फोन करके कह दो कि लंच कर लें। ए पीट, पीट मेरी बात तो सुनो। पीट, तुम्हें अपना दिमाग ठंडा करके चुप हो जाओ। बाप, तुम्हें अगले पेट्रोलिंग पर जाना है। हाँ, श्योर। ये ठीक तो है? बेचारा प्यार का मारा है। पर प्यार तो खूबसूरत चीज है। कभी कभी खूबसूरत चीज भी खतरनाक हो सकती है। अगर आज सुबह आपने थोड़ी कंपन महसूस की है तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आज सुबह 6 बजे तट से थोड़ी दूर लगभग 5.5 का कंपन महसूस किया गया था। वैसे अब तक किसी भी तरह की डैमेज की रिपोर्ट नहीं मिली है।
नहीं नहीं मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा। क्या तुम वहां से जा नहीं सकते? मैं नहीं चाहती कि किसी को भी नुकसान हो। छोड़ो भी, मैं कहीं नहीं भाग रहा, खासकर उससे तो बिल्कुल भी नहीं। देखो एक ना एक दिन तो इसका हल निकालना ही पड़ेगा ना। पर तुम उसे बिल्कुल नहीं उकसाओगे? प्रॉमिस? ठीक है प्रॉमिस। ओके, मुझे बाद में कॉल करना। ऑलराइट, बाय। सब ठीक है? हाँ, पर थोड़ी देर पहले कोई चीज तेजी से टकरा कर चली गई। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। मुझे डगी मत बुलाओ। क्या लगता है बाब, इसे जाने देना चाहिए? नहीं, 100 hours पूरे होने तक ये कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें पता भी है 100 घंटे कितने होते हैं? Come on, इसे समाज सेवा समझ लो, पर परवाह किसे है? हमें है। डग प्लीज मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो। नहीं दोस्त, नहीं दे सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ओ या ब्ला ब्ला ब्ला, बस एक गलती की है मैंने और उसके लिए जिंदगी भर भुगतना। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 100 घंटों की कैसे हो सकती है? रुको एक सेकंड। हाँ ये बढ़िया वाला है। मैं हूँ शीला, शीला की जो अमेरिका का फ्यूचर है। हमें तो गर्व होना चाहिए है ना। पायो मैं तेरे हाथ ना आनी, ये मैं हूँ शीला, शीला की जवानी। I'm so sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। उसे छोड़ो, यहाँ देखो। हीटर, शायद ये इस पे साइन कर दे। हीटर रुको। अब बस यही एक तरीका है। सुनो ना, इस पे साइन तो करो। नहीं बाद में। कर दो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं जरा। अरे ओ, क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल है? क्या सच में किसी को अच्छी तरह जान पाना पॉसिबल है? कहना थोड़ा मुश्किल है, यू नो। मेरी नौकरी चली जाएगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना कि मैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और मुझे ये मिली, ऐसी पड़ी हुई थी। ओ माई गॉड, मिली कहाँ? वहाँ। ये तो बहुत सुंदर है। ओ, पसंद आई तो देखते हैं फिट होती है या नहीं। ये देखो, ये रिंग जिसकी भी हो जब उसे वापस मिलेगी वो बहुत खुश हो जाएगी। एक बात कहूं, मुझसे शादी करोगी तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तुम मजाक कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं। Oh my God. और ये वही पल है जब तुम कहोगी हाँ मुझे मंजूर नहीं, है। नहीं मतलब अभी? हाँ बिल्कुल अभी। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को साथ लेकर आया हूँ, साथ में प्रीस्ट भी हैं। सच कह रहा हूँ, पर अभी नहीं। तो फिर कब? जब तुम हाँ कहोगी तब। हाँ कब?
मैं सोच रहा था तुम ग्रेजुएट हो जाओ उसके अगले दिन। पर इतना लंबा इंतजार क्यों? Well, तुम तब तक मरीन बायोलॉजिस्ट बन जाओगी। हाँ, तो? दिमाग से सोचो, अपनी इज्जत के बारे में सोचो। एक कह रहे कह रहे डॉन कॉनवे ने डॉक्टर बाबरा से शादी की जिसने पीएचडी की है। तुम कोई एरे गहरे नहीं हो, तुम मेरे हो। मिस्टर डॉक्टर बाबरा सिमंस। अच्छा है, गुड, वेरी गुड। पता है मुझे तुमसे डर लग रहा है। Well, मेरे पास सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री है थिएटर आर्ट्स में और मैं बेरोजगार भी हूँ, तो तुम्हारा डरना लाजमी है। नहीं, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मुझे किस करो पगली। अहो, सुनो, प्लीज सुनो, कम ऑन, क्या हो रहा है ये सब, अब बस भी करो। सॉरी। इसने मुझे प्रपोज किया। सच में? हाँ। वाओ, कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छा है। हीथर, स्वीटहार्ट, मेरी दोस्त, क्या तुम मुझे एक घंटे की छुट्टी दे सकती हो? अभी? हाँ, हम बस एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं। अकेले में? हाँ। अब? ओके। थैंक यू। लेकिन सिर्फ 20 मिनट। वाओ, मुझे मारने की तैयारी हो रही है क्या? नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था। दरअसल हम शिकार पर जाने वाले हैं। तो हम कम जाने वाले हैं? सिर्फ लड़के जा रहे हैं। ये पहनकर काम पर तो नहीं जा रही हो ना? नहीं, मैंने अंदर बिकनी टॉप पहन रखा है। इस काम के अपने कुछ फायदे होते हैं। चलो, मेरा जिप खोलो। हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं। ये लो, इस कपड़े को सूखने के लिए डाल दो। तुम लोग हमेशा क्या यही पहनकर काम पर जाते हो? हाँ, तब जब कोई जरूरत पड़ती है। कभी कभी काम आता है और कभी कभी नहीं। काश मुमकिन होता। क्या? मैं काफी देर से काम कर रही हूँ। अगर टाइम पर खत्म ना हो तो काम मत करो। इस ब्रेक के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर इसे चोरी कहते हैं, है ना? अरे लेकिन मैं कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ। और वैसे देखा जाए तो ये लोग भी तो टूरिस्ट को लूटते ही है ना। और इतना काम करा के जान लोगे बच्चे की? लेकिन तुम 5 साल की तो बिल्कुल नहीं हो।
पता है क्या, तुम कभी भी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। फिर तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। मेरे साथ डेट के बारे में मत सोचना। ठीक है, मुझे पता है तुम मुझ पे फिदा हो, एक्सेप्ट कर लो। अरे तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। इधर अभी अभी खबर मिली, एक पार्टी पैरा से निकल रही है, जरा देखोगी? सुनो, तुम्हारे बॉस से मिलना है। जरूर। तुम स्मिथ हो? स्मिथ वहां पर है। स्मिथ, मुझे लगता है तुम मिस्टर शिवेज हो। तुम ब्लास्ट करने वाले हो? हम एक बड़े पत्थर को तोड़ रहे हैं। हमारे पास लाइसेंस है। देख सकता हूं? वो तो सिर्फ इंस्पेक्टर को ही दिखाऊंगा। और कुछ? पार्किंग लॉट खाली कर दो। वो बस टेम्पररी है, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखो, वो पब्लिक पार्किंग प्लेस है, तुम इस तरह से उसे बंद नहीं कर सकते। देखो, घुमा फिरा के बातें करना छोड़ो, हम दोनों जानते हैं यह सब क्या है। हाँ, पर लोग अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे हैं। आते जाते ट्रकों की वजह से गाड़ियों को नुकसान ना हो, इसलिए हम कर रहे हैं। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से तुम यहाँ पर आए हो। हीटर को बीच में मत लाओ, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, देखो, तुम्हारे पास अपना खुद का पार्किंग लॉट है, तो फिर तुम दूसरों की जगह क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सेस रोड को 100 फीट लेफ्ट में ले लो। वहां खुदाई का काम चल रहा है, पुल बन रहा है। फिर तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने मुझे भिगा दिया। ओहो, क्या नजारा है। अंडरवाटर अर्थक्वेक का समुद्री जीवों पर गहरा असर पड़ा है। बहुत सी व्हेल मछलियां समुद्र के अलग अलग इलाकों में देखी गई है। और आगे देखते हैं।
पश्चिमी कैलिफोर्निया और बाजा प्रायर द्वीप पर स्केल 9 का सुनामी अलर्ट। हवाई के NEE ने ये खबर जारी की है कि सभी बीचेस को बंद कर दिया जाए और सभी लोग किसी सुरक्षित ऊंची जगह पर चले जाएं। रिपीट, सारे बीचेस को बंद कर दिया जाए। कॉपी दैट, मुझे यहाँ से जाना होगा। कोई सुन रहा है? डग बोल रहा हूँ। डग, अलार्म बजाओ और बीच खाली करवा दो। पार्किंग लॉट में जाओ, सबको वहां से बाहर निकालो। ठीक है, पर हुआ क्या है? सुनामी आने वाला है। जेरी, जल्दी करो। क्या क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या है डग? जेन, अपनी कार लो और यहां से निकल जाओ। अब ये सब क्या हो रहा है? बीच खाली करना होगा, सुनामी आया है। सुनामी? तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? निकलो यहाँ से। गो। निकलो यहाँ से! निकलो यहाँ से, जल्दी करो! अब यहाँ से चले जाइए। गो गो, जल्दी कीजिए। अभी इसी वक्त बीच खाली कर दीजिए। जल्दी कीजिए, निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। सब लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाओ। भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी। पार्किंग लॉट, सब लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाओ। सब भागो यहाँ से, जल्दी। सुनामी आ रहा है, जाओ यहाँ से, निकलो। शायद इतना बुरा भी ना हो जितना ये बता रहे हैं। हाँ, पर ये सब सच है। एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। दरवाजा और खिड़कियों पर सीमेंट की बोरियां रख दो, उससे शायद थोड़ा कम पानी अंदर आए। ठीक है, आप सब लोग निकलो, मैं बाद में आता हूँ। तुम साथ में ही आ रहे हो? दिमाग खराब है क्या? मैंने जितना भी कमाया है इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? मैं कहीं नहीं जा रहा। हीटर के लिए रुक रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम्हारी कार कहाँ है? जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। लेकिन तुम... बच्चों, तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जल्दी करो। आओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। मेरे साथ इसे लेकर जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इनकी मदद कर रही थी। ठीक है, पर जाओ यहाँ से। तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना? निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। कहीं नहीं जा सकते, हाईवे पूरा जाम है। चलो उस तरफ। सभी निवासियों को ये जगह खाली कर देने की सलाह दी जाती है। हाईवे में जाम लग चुका है और ये जाम बीच तक लगा हुआ है। सभी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। Doug!
शूट करो, ये अभी जिंदा है। नहीं नहीं रुको रुको रुको, पीछे हटो, पागल हो गई हो क्या? ये तो कमाल है। क्या है ये? ये गॉब्लिन शार्क है। ये चाहे जो भी हो, मार दो इसे। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, गॉब्लिन शार्क तो एक्सटिंक्ट मानी जाती थी, ये तो बहुत रेयर है। ये क्या कह रही हो? ये तो कमाल हो गया, ये एक बड़ी खोज है, हमें इसे बचाना चाहिए। पर हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, मार डालो इसे। ऐसा मत करो, मत करो। ओह नो, मार डालो इसे। नहीं, स्टेशन वन, ये क्या? चलो सब लोग निकलो यहां से, चलो 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 निकलो यहां से। चलो चलो जल्दी करो। दीवारों से सटकर खड़े हो जाओ। कैलिफोर्निया का तट एक विनाशकारी लहर की चपेट में आया है, जिसे पानी की दीवार कहा जाता है, और ये करीब 100 फीट ऊंची थी। एल काउंटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कुछ ही समय पहले शॉर्ट बे से रिपोर्ट दी कि उनका ऑफिसर इक्विपमेंट पानी में करीब 30 फुट तक डूब चुका है। मलबे की वजह से बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 10:17 पर निर्धारित कर कैल्टिक इंस्ट्रूमेंट्स ने इस लहर को 2004 में इंडोनेशिया के सुनामी लहर से भी बड़ा बताया है। इस वक्त लॉस एंजेलिस के मेयर ने सारे ऑफ ड्यूटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को जल्द से जल्द अपने नजदीकी डिजास्टर सेंटर्स पहुंचने की अपील की है। आगे की खबरों के लिए सुनते रहिए। हीटर। ओह माय गॉड, आओ ऊपर आ जाओ। पीठ यहाँ आओ। उसे काउंटर पर ले जाओ, जाकर फर्स्ट एड ले आओ, खून बहुत ज्यादा बह रहा है। Oh, baby. जख्म गहरा है।
कुछ नहीं होगा। मैं अपने पैर खोना नहीं चाहती। कुछ नहीं, सिर्फ स्टिचेस लगेंगी, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम ठीक हो ना? सुनो डग, मैं बाहर के हालात देखता हूँ। चारों तरफ पानी भर चुका है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। सिर्फ बैंडेज से काम नहीं चलेगा? नहीं, इसे स्टिचेस लगाने होंगे। बिना एनेस्थीसिया के कैसे होगा? कोई चारा नहीं है, खून बहुत बह चुका है। फोन बंद है, टावर डाउन है, पता नहीं क्या होगा। सुनो, इसे कसकर पकड़ो। क्या? ये सब क्या कर रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे टांके लगाने होंगे, तुम्हें बहुत दर्द होगा। नो वे, तुम डॉक्टर नहीं हो। हाँ सही कह रही हो, पर ये नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं, मुझे यहाँ से ले चलो, एम्बुलेंस बुलाओ। बात समझो, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फोन भी बंद है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती। कुछ भी हो, आई डोंट केयर, मुझे यहाँ से ले चलो। प्लीज सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, स्टिचेस नहीं लगी तो तुम मर जाओगी, सुना तुमने? ये सही कह रही है, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है। कस के पकड़ो। यकीन नहीं होता ये सब मेरे साथ हो रहा है। हे गाइस, ये देखो रेडियो ऑन हो गया। दूर दूर तक नुकसान होने की खबर है, सेंटा मोनिका में भी बहुत से घर बह गए हैं। तटीय इलाकों में बिजली न होने के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही हैं। सैकड़ों लोगों के मरने की आशंका है। बस थोड़ा सा और। इसका कोई दाग रहेगा क्या? बस हो गया। देखो बॉस, बात को समझो, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, बस जानना है वो कैसी है। बहुत रिस्की है, कोई ना कोई रेस्क्यू टीम आ ही जाएगी। हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हमें खुद कुछ करना होगा। पकड़ो। तुम्हारे हिसाब से बाहर कितने शार्क्स होंगे? चार पांच तो मैंने खुद देखे थे, एक बड़ी है, बहुत बड़ी। अगर पानी बढ़ता गया तो हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते, दूसरी लहर कब आ जाए कहना मुश्किल है। बिना बोट के हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम में से कोई तैर कर जाकर बोट नहीं ला सकता? तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे, यहाँ शार्क बहुत बड़ी है और तेज भी, जेट स्की को भी तोड़ दिया था। तुम्हारा मतलब ये असंभव है? ये सच कह रहा है क्या? क्या हमारे पास फ्लेयर गन है? हाँ, नीचे कबर्ड में है और अलमारी में एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी है। हम उसके जरिए किनारे तक नहीं पहुंच सकते? इन शार्क्स के सामने ये रबर की राफ्ट नहीं टिकेगी। फ्लेयर गन से हम लोगों को बता सकते हैं कि हम यहाँ हैं। हाँ, पर पता नहीं लहरें अलमारी को कहाँ ले गई होंगी। पकड़ो इसे। हो गया, बस हो गया। पर पैसिफिक ओशन से ये शार्क मलबू तक कैसे पहुंची? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं, शायद सुनामी की वजह से हुआ हो। इसे काम होगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ये मालिबू लाइफगार्ड स्टेशन 23 है, यहाँ इमरजेंसी है। ये मालिबू लाइफगार्ड स्टेशन 23 है, डिस्पैच, कोई सुन सकता है?
इन कम्प्लीट डेमोन्स्ट्रेशन। सैन फ्रांसिस्को से सैन डियागो तक सब कुछ खत्म हो गया है। गवर्नर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ये मैलिबू लाइफगार्ड स्टेशन 23 है, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैलिबू लाइफगार्ड स्टेशन 23, कोई है? वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे? वो तो ये सोच रहे होंगे कि हम भी औरों की तरह यहाँ से निकल चुके हैं। ये सुनामी बहुत बड़ी है, नॉर्थ कैलिफोर्निया से यहाँ तक, यानी बचाव दल बहुत कम और बहुत दूर होंगे। शांति की कामना करते हुए गवर्नर ने अपील की है कि शांति बनाए रखे और तमाम कोस्टल एरियाज को डिजास्टर एरिया माना जाए। तट की ओर रेस्क्यू बचाव दलों ने पीड़ितों से कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दल, तट रक्षक दल और सीमा दल तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर देंगे। और दूर के लास वेगास के हॉस्पिटल ने भी हजारों पीड़ित लोगों के इलाज की तैयारी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मैलिबू के स्लोपिंग तट की वजह से वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सब ठीक है। मेरे इस कंडीशन के लिए मेरे डैडी मलेबू शहर पर केस कर देंगे। ओ, सारे बदनसीब वकील तो डूब कर मर चुके होंगे। अब कैसा लग रहा है? लगता है मानो पैर मिक्सर में डाल दिया गया हो। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। जख्म कैसा दिख रहा है? ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। सब ठीक है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? हालात के हिसाब से जो ठीक था वही किया मैंने। इसकी हालत तो देखो। हे, इसने तुम्हारी जान बचाई। मुझे माफ करना, पर इस जख्म को देखकर मैं डर गई। इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे पास मेरी खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं है। ये सरासर झूठ है। अब मैं कभी बिकिनी नहीं पहन पाऊंगी। जरूर पहन पाओगी, प्लास्टिक सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा। मुझे इस पर बैंडेज लगाना है। इस जख्म को ड्राई रखना जरूरी है। ओके, मैं बैंडेज लगा रही हूँ। थोड़ा प्लास्टिक मिले तो अच्छा होगा ताकि ये ड्राई रहे। बब, बोलो। तुम मुझे इन शार्क्स के बारे में बताओ। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, बस ये कि ये सब लैमनी फॉर्म है। मतलब ये ग्रेट वाई जैसी प्रजाति है। ओके, इनकी आंखें कैसी हैं? देखने में तो अंधी लगती हैं। हो सकता है, आखिर वो गहरे पानी में रहती हैं, वहाँ इतनी लाइट नहीं पहुँचती। वो साउंड वेव्स और मूवमेंट की मदद से शिकार करती हैं। मतलब चमगादड़ की तरह? लगभग। इनके लंग्स में इलेक्ट्रोसेंसरी ऑर्गन्स हैं। समझ गया, ये काफी खतरनाक है। देखते हैं। हाँ, अगर तुम उन्हें चेस कर रहे हो तो नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो क्या तुम लोगों के पास कुछ हथियार है? मेरे पास सिर्फ 6 गोलियां हैं। हाँ, और ये भी है। तो शार्क्स के यहाँ पहुँचने से पहले हमें उन्हें मारना होगा, है ना? हम उन्हें मारने की बात क्यों कर रहे हैं? जब तक वो बाहर है यहाँ हम सुरक्षित हैं, है ना? हाँ, जब तक वो बाहर है तब तक हम सुरक्षित हैं। ठीक है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इन प्रजातियों को करोड़ों सालों तक किसी ने नहीं देखा। ये ताजुब की बात है। अगर किसी तरह ने पकड़ लिया जाए तो इनके एवोल्यूशन के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। ये साइंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और फिर क्या पता अगर नीचे और भी कुछ हो। देखो बॉब, हम में से कोई भी इस प्रजाति को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। ये सही कह रहा है बॉब। ब्रायन, ये लोग भले मुझे नहीं समझते पर तुम तो मेरा साथ दो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, पर मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही।
कब तक हमारा पीछा करेंगी? वो हमें अपना शिकार समझते हैं, हमें सुन सकते हैं, हमारी हलचल पकड़ सकते हैं। खून सूंघकर तुम ठीक तो हो? हाँ। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। हाँ। मेरी बात बुरी लगी होगी तो आम सारा बाब, I love you. I love you too. Okay. Guys, मुझे ये बताओ इसे चलाते कैसे हैं? ठीक है, तो फिर यहाँ हूँ। बाब, बाब, मारो जल्दी। कस कर पकड़ो। बाब, ज़्यादा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बाब, बाब, बाब। Oh no, बाब, नहीं, ये कैसे हो गया? क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। बाप, वो नहीं रही। सुना तुमने? वो चली गई है। संभालो खुद को। इसे बंद करना होगा। आओ मेरी मदद करो। कम ऑन। ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें उनका सामना करना होगा। हमें तैर कर निकलना होगा। तुम ब्रांड को लेके यहां से जाओ। लेकिन हम इन शार्क से लड़ने का खतरा नहीं उठा सकते। वो जेट स्की से भी तेज हैं। हम सभी यहां रहकर उनका शिकार नहीं बन सकते। तो ठीक है, हम यहीं रुककर उनका सामना करते हैं। नहीं, मुझे हाथ मत लगा। तुम्हें उसके लिए जिंदा रहकर लड़ना होगा ब्रायन। नहीं, बाप क्या चाहती थी मुझे पता है। वो चाहती थी कि हम इन शार्क्स को बचाएं। और देखो अब वो ही नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे दिलासा मत दो, तुम समझी? ये कोई साधारण शार्क नहीं है और ये कभी पीछे नहीं हटेंगी। एक एक करके हम सबको मार देंगी। चुप नहीं रहोगे तो यही होगा। हम सब थक चुके हैं, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। यहाँ वजन रखना होगा। कोई भारी चीज चाहिए यहाँ पर? ब्रायन, जल्दी से कुछ भारी चीज लाओ। ब्रायन, इस पर चढ़ जाओ प्लीज। जॉर्ज, वो औजार लेकर यहां पर आओ। काल और नैन्सी कहां हैं? शायद पीछे कहीं पर होंगे। हमें यही इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मैं ये आसानी से कर सकती हूं, तुम जानते हो मैं अच्छी स्विमर हूं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। एक बोट ढूंढकर सीधे यहां ले आना। ओके, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू।
शॉक शॉक नैंसी शॉक शॉक नैंसी शॉक शॉक क्या शॉक नैंसी शॉक क्या जल्दी करो जल्दी ओह नो नैंसी कॉल क्या हुआ वो किनारे तक तैर के जा रही थी पर शार्क ने उसे खा लिया हे 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 हे। अब हमें कुछ करना होगा छोड़ो मुझे जाओ कॉल बचाओ मुझे कॉल नहीं 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 वो नहीं रहा वो नहीं रहा खत्म हो गया जॉर्ज चलो अंदर चलते हैं जॉर्ज चलो अंदर चलते हैं बस अब बहुत हुआ मैं ये कैबिनेट हटा रहा हूँ हम उसे मार डालेंगे नहीं नहीं हीटर जाओ और गन ले आओ ठीक है ठीक है ब्रायन हटो मैंने कहा हटो यहाँ से ध्यान रहे इसे हटाते ही फायर कर देना लेकिन संभल कर तुम तैयार हो मत हटो इसे मत हटो हम सब मर जाएंगे जेनी शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हम यहाँ से निकल जाएंगे हम लोगों को कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मेरा यकीन करो प्लीज ओके नहीं नहीं तुम तैयार हो इसे नीचे करो इसे सिर्फ एक ही है या और भी है गोलियां खत्म हो गई यहां और है क्या हाँ पर नीचे अलमारी में है लेकिन हमारे पास स्पेयर गन्स तो है ना मतलब और भी है क्या हम सबको नहीं मार सकते हमें और गोलियां चाहिए होंगी हाँ हाँ ये ठीक है ये चलेगी देखते हैं जब हमने सुनामी के बारे में सुना तब मन हुआ कार लेकर भाग जाए पर वो लोगों की मदद करना चाहती थी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ वो भी करती थी बहुत इस बात को याद रखना मुझे बस इतना याद है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए बस चुप हो जाओ उसे याद करके अपना दिल मत दुखाओ इधर उस तरफ जाओ जेनी, यहाँ कोई चीज टकराई होगी पूरा समंदर कचरे से भर गया है मुझे लगता है कि वो एक एक करके इस जगह को तोड़ देंगे मैं नीचे जाकर देखता हूँ शायद कोई फ्लेयर गन मिल जाए नहीं तुम वापस नहीं आ पाओगे मुझे कुछ नहीं होगा नीचे शायद कुछ गोलियां भी मिल जाए ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है वो चली गई है तुम्हें कैसे पता वो चली गई हमें तो ये भी नहीं पता कि अलमारी कहाँ है किसी को हमारी खबर नहीं है अगर फ्लेयर गन चलाए तो हमारे लिए शायद कोई बोट भी आ जाए पर उससे पहले वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जाओगे यहाँ कोई भी नहीं रहेगा कोई भी नहीं थैंक यू
गैस बहुत कम है। चालू करो, शायद बात बन जाए। शायद फ्यूल लाइन में पानी भर गया है। शायद इसे खोलना पड़ेगा। जाकर देखो, शायद थोड़ी अंदर से गैस मिल जाए। देखता हूँ बॉस। मैं जाऊंगा। क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरा आइडिया था। हाँ, पर अभी भी मैं ही इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? इसे जाने दो। पानी के बाहर तुम किसी को भी हरा सकते हो, पर पानी के अंदर पीठ से अच्छा कोई नहीं। ये लंबे समय तक सांस रोक सकता है। मेरे ख्याल से हमें इसे जाने देना चाहिए। मत रोको इसे। ये ठीक नहीं है। मैंने पूछा तुमसे, जो कहा वो करो। मेरे जाने के बाद तुम संभाल लेना। तुम्हें लगता है मैं अकेले संभाल लूंगा? इतना तो तुम कर ही लोगे। मैं नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक है। हम नजर रखेंगे, उनका ध्यान बटाने के लिए आवाज करते रहेंगे। तुम इस तरफ, तुम उस तरफ, मैं इस तरफ और डागो उस तरफ। ठीक है, चलो फिर। ब्रायन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज मेरी बात मान लो। पीट, पीट ही अपने पास रखो। रोक सकता है? काफी देर तक। तुम फिक्र मत करो, वो नेवी में था। गैस नहीं है, सब बह गई है। ठीक है, तुम्हारे पास जेल इग्नाइट है? हाँ, सोचा खाली हाथ जाने से अच्छा है साथ में कुछ ले लूं। गुड आइडिया। हम तट पर नहीं जाएंगे, मतलब सीधे वहीं जाएंगे। तो हम सीधे वहां नहीं जाएंगे? याद रखना, हमारे पास ज्यादा गैस नहीं है। उन्हें हमारी मदद चाहिए। उनके लिए हम किसी को भेज देंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ शार्क्स हैं और शैक भी आधा डूब चुका है। क्यों खतरा उठा रहे हो? काल की हालत देखना। मैं तो जाऊंगा, तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना। वैसे इस बोर्ड पर आधा अधिकार मेरा है, मैंने इसे ढूंढा है। पर मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए मैं अपना आधा हिस्सा लेकर जा रहा हूँ। अपने हिस्से का जो चाहे करो। पीट, जल्दी करो, इनका ध्यान बटाना होगा। चलो जल्दी करो। Thank you.
मुझे शार्क पर फ्लेयर गन चलानी पड़ी। तुम ठीक हो? मुझे मिस किया? हाँ, बहुत। देखा, वो फिर से आ गई। अब हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा था ना। बस बंद करो, चुप रहो। मैंने कहा था, मैंने कहा था, चुप रहो। ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है? हमें छत पर जाना होगा। पहले मैं जाऊंगा, फिर तुम जैन को लेके आना, ठीक है? ओके। शांत रहो। पीट। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? आराम से, ध्यान से, ध्यान से पीट। पहली बार तुम्हें देखकर खुशी हुई। हीटर कहाँ है? वो सबके साथ नीचे है। डग, सबको ऊपर ले आओ, हमारे लिए मदद पहुंच चुकी है। Come on. आओ, मेरा हाथ पकड़ो। Come on. आराम से, आराम से। अपनी टांग को संभालो। संभल कर। आ जाओ। इसे चोट लगी है। संभल कर। आ जाओ, सब ठीक है। ठीक तो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हें लिए बगैर कैसे जाता? आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीट, मैं और नहीं रोक सकता। चलो, सब बोट में बैठो। चलो, जल्दी करो, चलो। तुम ठीक हो? हाँ। चलो, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। खत्म। क्या बाकी? मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, सब सुनो, अब हमें लहरों के साथ जाना होगा। मौत और विनाश का आज का दिन ढल चुका है और साथ ही इस दुखद घटना के एविडेंस अब पानी पर हमारे चारों तरफ तैर रहे हैं। सरकार की राहत कार्रवाई से लोगों को आश्वासन मिला। कोस्टल एरियाज पर बचाव कार्य जोरों से चल रहा है। मिलिट्री और सिविलियन हेलीकॉप्टर्स घायलों को फर्स्ट एड स्टेशन पर ले जाने में मदद कर रहे हैं। भटके हुए लोगों को बसों की मदद से डिजास्टर रिलीफ सेंटर ले जाया जा रहा है। सैन डिएगो सरकार पूरे शहर में 850 से भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जता रही है, पर पहले से ही चेतावनी मिलने के कारण हजारों जानों के बच जाने की भी खबर है।
हम फंस गए, कुछ भी नहीं दिख रहा। चप्पू कहाँ पर है? यहाँ से निकलना होगा। जल्दी करो, पानी भर रहा है। ठीक है, हम लगभग 25 फीट दूर हैं, हमें तैर कर जाना होगा। नहीं, मैं अपने दो साथी गवा चुका हूँ इन शार्क्स की वजह से। जॉर्ज, क्या कर रहे हो? शोर मत करो। जॉर्ज, मैं गेट खोलने जा रहा हूँ, जल्दी करो। ओह गॉड, कटर लाकर दो मुझे, जल्दी करो। शार्क, वह देखो। शार्क, मैं देखता हूँ। ब्रायन, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, 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 ब्रायन, वापस आ जाओ। तुम लोग निकलो यहाँ से। ब्रायन, जाओ। नहीं, ब्रायन, शोर मत मचाओ। ब्रायन, नहीं। जाओ, एक गुलाड़ी दो। हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, 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 शांत, नहीं, शांत हो जाओ। चलो, नहीं, छोड़ो मुझे। चलो जल्दी। शांत हो जाओ, मेरी बात मानो, शांत हो जाओ। हमें नीचे उतरना होगा। हम सब अंदर मिलेंगे। क्या वो सब चली गई? पीट, पीट, ऊपर आ। कार के अंदर आओ। चलो चलो, जल्दी आओ। तुम ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। ओके। क्या तुम ठीक हो? और तुम? फिलहाल तो जिंदा हूं। अच्छी खबर है। वो पहुंच गए होंगे, लगता तो है। चलो भी। सॉरी, वहां पानी की कुछ बोतलें हैं। इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना? समंदर के पानी से इन्फेक्शन नहीं होता,
पर तुम्हारी चोट काफी गहरी है, कुछ नुकसान होने से पहले हम यहां से निकल जाएंगे, ठीक है? ये लो। हमें उन्हें ढूंढना होगा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी ढूंढनी होगी। अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए तो सभी सुरक्षित रहेंगे। सीढ़ी वहां नीचे है, दो कमरों के बाद। अगर लहरों ने ना तोड़ दी हो तो। मैं जेनी के साथ रहूंगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैंने सुना है शाख जमीन पर आकर लोगों को उठाकर ले जाती है, ये सच है क्या? हाँ, अगर पैरों में जूते हो तो। मजाक मत करो। शार्क है, शार्क तुम्हारी तरफ आ रही है। घबराओ मत। कॉलिन, शाख तुम्हारी तरफ आ रही है। कुछ औजार पड़े हैं, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। तुम नहीं ला पाओगे। जब वो तुम्हारे पास आए तो याद रहे जोर से आवाज करना, ठीक है? नहीं, वेट वेट, सुनो। शायद हम फिर ना मिले। ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो स्मिथ का क्या होगा? वो यहां होता तो मैं उसे भी किस करती। अगर जिंदा बच गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये तुम पहले भी कह चुके हो। सच कह रहा हूं।
I love you too. जो हुआ उसके बावजूद मुझे माफ कर देना, मैं बदल कर दिखाऊंगा। अगर मैं तुम दोनों से प्यार करूं तो फिर मैं उसे भगा दूंगा। ठीक है। फिलहाल तुम आवाज करो, शार्क यहां चली आएगी। अपना ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं। ठीक हो? तुम ठीक हो? तुमने मेरे लिए जान खतरे में डाली। मुझे इसी के पैसे मिलते हैं। क्या बस यही वजह थी? तो तुम सुनना चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हाँ, मुझे यही सुनना है। ओके, मैं पसंद करता हूँ तो क्या? तो कुछ नहीं। स्मिथ, स्मिथ, जेनी कहाँ हो तुम सब? यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जंक्शन से दाएं मुड़ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। जॉर्ज, तुम साथ में हो? मैं खुद उसे बताऊंगी। रुको, हम आ रहे हैं। जॉर्ज कहाँ है? हम आ रहे हैं। स्मिथ, I'm so sorry। क्या हुआ? पार्किंग लॉट में शार्क्स थी, यहाँ आने से पहले उसे मार डाला उन्होंने। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैंने शाह को मार डाला। जॉर्ज की बात माननी चाहिए थी, तब तो सभी मर जाते हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। जेनी और डाक का है, वो ठीक तो है ना? वो दोनों नीचे हैं स्टोर रूम में। ठीक है। मैंने भी एक मार डाला। क्या यहाँ और है? हाँ, शायद, लगता तो है। ठीक है, तो फिर पानी से निकलने का कोई रास्ता है? उस सीढ़ी को ढूंढना होगा जो ऊपर की तरफ जाती है। हम दोनों में झगड़ा ना हो तो बेहतर है। लगता तो मुझे भी यही है। मैं उसे खुश रख सकता हूं। हाँ, और मैं भी। पर तुमने अपना मौका खो दिया। मौके तो आते जाते रहते हैं, मैं अपने मौके फिर बना लेता हूं। नहीं, पर वो मेरे साथ जाना चाहती है। देखते हैं, फिलहाल हमें उसकी हिफाजत करनी होगी। मैं तो वही कर रहा हूं। ऊपर उठो।
सब्र करो, कुछ नहीं होगा। हमें वहां बाहर जाकर उसे मारना होगा या फिर यहीं रहकर उसका इंतजार करते हैं। चलो फिर। भविष्य में जब हम इस विनाश की कहानी सुनेंगे तब यकीनन लोगों की हिम्मत और बलिदान और अत्यंत साहस से भरी हजारों कहानियां हमारे सामने आएंगी। हमारी प्रार्थना कैलिफोर्निया के लोगों के साथ है और उम्मीद करते हैं आने वाला कल उनके लिए खुशियों से भरा हो। तुम्हारा पैर कैसा है? थोड़ा सा दर्द है, दरअसल काफी दर्द है। इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक्स लेना होगा, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा हमें। नहीं मैं ठीक हूँ, दरअसल बहुत अच्छी हूँ। मेरे ख्याल से जज साहब तुम्हारे काम का हिसाब ले लेंगे। नहीं मैं और 20 घंटे काम कर लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं करना चाहती हूँ, लाइफ गार्ड की नौकरी बड़े मजे की है। तो तुम्हारे बचे हुए टाइम में तुम्हारी ट्रेनिंग करवाएंगे, वापस पहुंचकर मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। वाकई? शो काफी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ मेरे बदलने से किसी को नुकसान ना हो। मेरे ख्याल से नई शुरुआत होनी चाहिए, पुराने रिश्ते खत्म कर दो, नए रिश्ते बनाओ। तुम दोनों प्री स्कूल किंडरगार्टन तो गए हो ना? स्कूल में शेयर करना तो सिखाया होगा तुम्हें।
अब तो लगता है सिक्का उड़ा के ही फैसला लेना होगा। Ha 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 ha!